Audio Jungle. Hi, hello, how are you? How's it going? I hope you know me already from the previous video of mine on this channel. If you haven't checked that, please go ahead and check it out. And if you don't know me, then let me introduce you to myself. My name is Dr. Zara and I graduated from Fatima Jinnah Medical University. And I did my house job at Gangaram Hospital. And now I am practicing as a general physician at a private hospital in Lahore. मुझे हमज़ा ने बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, स्पेशली FGIITs मेरे जूनियर्स, कि हमें जो है वो कोई वीडियो चाहिए कि हमें पता चल जाए कि हाउ टू गो अबाउट लाइक फर्स्ट ईयर स्पेशली कि स्टडीज़ कैसे करनी है सब्जेक्ट वाइज और लाइक टेस्ट्स और प्रॉफ एंड हाउ द पैटर्न गोज़ एंड हाउ लाइक एवरीथिंग गोज़. सो जितना मुझे समझ आया है उसके हवाले से या जितना मुझे पता है और जितना मैंने अभी रिसेंटली अपने कुछ जूनियर से पूछा, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव ग्रेजुएटेड तो अब मुझे इतना तो नहीं पता है, लेकिन मैंने जो अपने जूनियर से पूछा और जो भी इन्फॉर्मेशन आई कुड गैदर आई डिड इट फॉर यू गाइज. तो लेट्स गो अहेड एंड I'll tell you what I know and how you should go about your first year especially. So I hope you would like it, and if you're liking so far, please don't forget to hit that like button and subscribe to the channel. तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग लेकर चलूँगी. सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द बुक्स, देन द टेस्ट्स, एंड देन विल टॉक अबाउट प्रॉफ एंड द पैटर्न ऑफ एग्जाम्स, एंड लाइक विल टच ऑन द मार्क्स स्कीम एंड लाइक द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो द फर्स्ट थिंग, हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है ऑब्वियसली एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम. या तीन सब्जेक्ट्स, राइट? तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, साल के एंड पे पूछूंगी. सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो थ्योरी पार्ट आ जाता है और सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है. तो जो हमारे पास थ्योरी पार्ट है वो तो तीनों में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम में ऑब्वियसली रिटन होगा, सबको पता है, बुक्स होंगी. तो प्रैक्टिकल पार्ट में हमारे पास एनाटॉमी के हवाले से जो है वो विच आई काउंट एज अ प्रैक्टिकल इज़ लाइक कि आपका डाइसेक्शन होता है एंड स्पॉटिंग टाइप होती है, बिकॉज यू डू प्रैक्टिकली लाइक डाइसेक्ट द कैडावर्स. सो तो और उसके अलावा जो हमारे पास फिजियोलॉजी और बायोकेम के, तो ऑब्वियसली आप लोग अभी तक स्टार्ट कर चुके होंगे तो आपको पता है कि लेजिट प्रैक्टिकल्स होते हैं. अलावा अगर हम इसमें बुक्स की बात करें तो बुक्स के हवाले से जो द बिग बॉडी एनाटॉमी को देख लेते हैं, तो एनाटॉमी के लिए हम जो बुक्स रिकमेंडेड हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेड बुक्स आती हैं, उनके अंदर तो हमारे पास ग्रेज एनाटॉमी आ जाती है और ग्रेज एनाटॉमी ही आ जाती है. लेकिन ऑब्वियसली नोबडी रीड्स दैट एंड नोबडी कैन रीड दैट. आई मीन आई डोंट रिकॉल कि मेरे सेशन में किसी भी हमारे स्टूडेंट ने जो है वो ऑल द वे सिर्फ ग्रेज एनाटॉमी पढ़ी हो. ऑब्वियसली आपको टीचर्स बहुत कुछ कहते हैं कि आप पढ़ें और ये सब कुछ, ऑब्वियसली आई मीन देर नॉट रॉन्ग, पढ़नी चाहिए, लेकिन वी हैव अदर स्टफ टू डू एंड वी हैव आर लाइफ टू ब्रीद. तो अगर कोई पढ़ सकता है बडी गो अहेड. तो लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ सकता एंड ही शी इज़ लाइक मी, तो फिर आप जो है वो KLM पढ़ लो और उसके अलावा BD 84 वो सभी पढ़ते हैं और कुछ हद तक वो आपको पढ़नी भी पड़ती है, बिकॉज कुछ टॉपिक्स उसमें वाकई में काफ़ी अच्छे दिए हैं, लाइक हेडिंग वाइज दिए हैं, इट्स लाइक ईजियर टू अंडरस्टैंड. लेकिन क्लिनिकल के हवाले से अगर बात की जाए तो जो KLM के वो जो ब्लू पेजेस हैं और जो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, गो फॉर दैट. और KLM में कुछ चीज़ें जो हैं और उसको अगर आप कंपेयर करके BD के साथ पढ़ते हो तो आई विल प्रेफर दैट फॉर यू, के क्योंकि कुछ चीज़ें समटाइम्स BD के अंदर जो हैं वो आगे पीछे होती हैं या रिलेशंस या कुछ पाथवेज और स्टफ जो है वो सॉर्ट ऑफ गलत दिए होते हैं. तो फिर आपको KLM जो है वो एक ऑथेंटिक बुक है, और अगर आप किसी को उसका रेफरेंस भी दोगे, किसी टीचर को भी बोलोगे कि हाँ ये चीज़ मैंने KLM से पढ़ी है, तो दे विल अग्री विद यू होपफुली. तो हाँ, और इसके अलावा डाइसेक्शन के हवाले से ऑब्वियसली आपने डाइसेक्टर लेनी होती है, तो आप डाइसेक्टर खरीदो और उसके साथ उसको करते करते उसके मैच करके आप जो है वो कैडेवर्स के ऊपर डाइसेक्शन करो. डोंट गो ब्लाइंडली, डोंट रूइन द बॉडीज. और उसके अलावा अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो हमने गाइटन पढ़नी होती है. FJ के अंदर गाइटन ही पढ़ी जाती है. आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन FJ के अंदर एक गाइटन एक ऑथेंटिक बुक है एंड आई पर्सनली ऑनेस्टली लव गाइटन, बिकॉज उसमें बहुत आई नो कि उसमें कुछ चीज़ें वेग हैं, एट द एंड ऑफ द टॉपिक द मैकेनिज्म इज स्टिल अनक्लियर टाइप ऑफ स्टफ हो जाता है, लेकिन अगर आपने समझने के लिए पढ़ना है और अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर ग्रिप हो और आपकी फिजियोलॉजी अच्छी हो, बिकॉज आपको फिजियोलॉजी लॉन्ग टर्म में बहुत जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि फर्दर जब आप अगर पैथोलॉजी भी पढ़ोगे या कहीं भी आप आगे कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे अपने नेक्स्ट मेड स्कूल टीचर्स में, तो आपको फिजियोलॉजी की जो गुड फाउंडेशन है दैट विल हेल्प यू अलॉट. तो आई वुड रिकमेंड कि आप गाइटन पढ़ो. और उसके अलावा जो है वो फिरदौस कई लोग पढ़ते हैं और
नो डाउट इट्स लाइक अ गुड बुक, बट इट्स अ गुड बुक टू रिवाइज, कि अगर आपने गाइडन पढ़ ली है, आपके नोट्स वोट्स बन गए हैं, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसके बाद अगर आप फिरदौस पढ़ोगे, इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक रिविजन एंड यू डोंट नीड टू होल्ड समथिंग बिग लाइक गाइडन, तो इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स जस्ट फॉर फन. लेकिन अगर आप ये समझते हो कि फिरदौस या कोई भी और शॉर्ट बुक आप पढ़ोगे एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी एंड इट्स गोना हेल्प यू, सॉरी बट यू आर मिस्टेकन, इट्स नॉट. तो लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आई ऑल्सो डिड दैट, मैंने भी समटाइम्स वाइवास जो हैं वो फिरदौस से पढ़े हुए, लेकिन वैन आई हैड नो अदर ऑप्शन, बट अदरवाइज आई यूज़ टू गो फॉर गाइडन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो उसके अलावा अगर हम बायोकेम की बात करें तो बायोकेम के अंदर लिपनकॉट ऑब्वियसली, और बायोकेम कैसे जाती है, उसका क्या हिसाब किताब है, आई थिंक अभी तक आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, बिकॉज बायोकेम डूड वाओ. तो बायोकेम के लिए हमारे पास रिकमेंडेड ऑथेंटिक बुक जो है वो लिपनकॉट है, और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो हैं, आई थिंक सम कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन और स्टफ, वो आपने जो है वो मुश्ताक से पढ़ना होता है, जो छोटी दो बुक्स होती है मुश्ताक की, वो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में आपने एक एक बुक पढ़नी होती है, तो वो आपको कॉलेज वाले भी रिकमेंड करते हैं. और उसके अलावा बायोकेम के अंदर जो मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपको कोई भी टीचर एक टॉपिक पढ़ाता है एंड शी और ही सेज़ के ये मेरे नोट्स हैं, बाय देम एंड रीड देम, डूड बाय देम एंड रीड देम, बिकॉज आपका टेस्ट, एटलीस्ट आपका टेस्ट, और मोस्टली अगर आप वो चीज़ प्रॉफ में भी लिखोगे, बिकॉज अब ये यूनिवर्सिटी है तो ये अपने पेपर खुद ही चेक करेंगे, इट्स गोना हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. तो अगर किसी भी टीचर ने अपने कोई नोट्स लिए हुए हैं या कोई भी वो अपना कोई भी जो है वो मटीरियल देते हैं, बाय इट, रीड इट बाय हार्ट, लर्न एंड वॉमिट दैट ऑन द पेपर. ओके, तो ये हो गया बायोकेम की कहानी. उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल्स के हवाले से बात करें तो फिजियो और बायोकेम दोनों की प्रैक्टिकल कॉपीज़ आती हैं, आपने उन्हीं को पढ़ना होता है, उन्हीं को देखना होता है, एंड प्रैक्टिकल आर नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट दैट डिफ़िकल्ट. तो उसके अलावा अगर अभी हम टेस्ट की बात करें, पूरे साल के अंदर कितने टेस्ट होते हैं, हम एनाटॉमी से स्टार्ट करें, बिकॉज आई लव टू स्टार्ट फ्रॉम एनाटॉमी. तो एनाटॉमी के हमारे पास तीन रीजन्स हैं, लाइक लोअर लिम, अपर लिम एंड स्टफ. तो हर रीजन में हमारे पास जो हैं वो तीन सब स्टेजेस होती हैं, जैसे लोअर लिम की तीन सब स्टेजेस होंगी, और उन तीन सब स्टेजेस में एक जो है वो रिटर्न होगा, एक वाइवा हो जाएगा और एक स्पॉटिंग हो जाएगी, इसी तरह बाकी जो दो रीजन्स हैं उनके साथ भी. और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड आपकी एक स्टेज होगी जिसके अंदर जो है वो आपका ये सारा कुछ दोबारा से कवर किया जाएगा, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद आपका सेंड अप होगा और फिर प्रॉफ होगा. तो इसी तरह से हमारे पास जो फिजियो है, फिजियो के भी हमारे पास तकरीबन तीन टेस्ट जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं और दो ग्रैंड वाइवाज हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल जो उसका अगर कोई वाइवास या टेस्ट होते हैं तो वो अलग से होता है. और बायोकेम के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास जो है वो दो से तीन टेस्ट बायोकेम के हो जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उनमें से कुछ वाइवास होते हैं और कुछ रिटर्न होते हैं. तो फिलहाल तक तो अभी इसी तरह ही चल रहा है, अब आगे का आई कांट से एनीथिंग. इसके अलावा बायोकेम के अंदर जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल के वाइवास भी होते हैं, वो काफ़ी बायोकेम वाले आर लाइक सीरियस, तो वो अपने प्रैक्टिकल के वाइवास भी जो है वो मतलब अच्छे से लेते हैं और उनके मार्क्स भी काउंट करते हैं और स्टफ लाइक दैट. तो उनका ऑब्वियसली आपको पता है कि उनके जो प्रैक्टिकल्स वो लिखवाते हैं उन्हीं को अपने बाय हार्ट याद करना होता है, और उन्हीं को आपने लिखना होता है, उन्हीं को सुनाना होता है, सब कुछ वही करना होता है. तो उसके अलावा अगर अभी हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, तो तीसरी चीज़ है कि हमारे पास FJ और UHS के पेपर्स के अंदर क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि UHS में जैसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिया जाता है, FJ के अंदर नहीं दिया जाता. FJ में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, वेदर इट्स इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इट्स शेट, आपको वो पढ़ना है, और सैडली आपको वो पढ़ना है. और उसके अलावा जो मैंने ख़ुद भी नोटिस किया और जो मेरे जूनियर्स भी कहते हैं और जो हम सब ने एक म्यूचुअल इज्तमाही कमेटी बना के जो नतीजा खस किया है, उसमें ये है कि हमें तो यही लगता है कि जो FJ के पेपर्स होते हैं वो UHS के पेपर्स से मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, बिकॉज FJ में यूजुअली नहीं देखा जाता कि ये क्वेश्चन इट्स लाइक इट डजेंट मेक एनी सेंस एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. वो किसी भी चीज़ की फजूल सी कोई चीज़ क्लासिफिकेशन उठाकर आपको दे देंगे एंड दे विल लाइक के यू बेटर बी सॉल्विंग दैट. तो इसलिए मतलब FJ का एग्ज़ाम यूजुअली जो है वो लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है कि हमारे पेपर्स में एक्चुअली इसलिए कि आपका कोई वो नहीं होता कि आपके क्वेश्चंस हैं कि आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, यू कैन नॉट, आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, यू काइंड ऑफ एटलीस्ट आपको एक से दो बार उसको रीड देनी पड़ती है और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सो दैट यू कैन राइट समथिंग अबाउट इट. तो या और तीसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली FJ में जो मार्क्स हैं इवन टेस्ट्स में, प्रॉफ में,
जो हैं वो UHS के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो कम दिए जाते हैं, कि UHS के टॉपर का और FJ के टॉपर का तकरीबन हमेशा ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 100 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस होता है. मार्क्स के हवाले से देखा जाए तो FJ वाले अपने स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देते हैं. और अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज PMDC से PMC बन गया, और आगे पता नहीं अभी आप लोग जब तक स्पेशलाइजेशन तक जाओगे पता नहीं क्या होना है. तो जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू एट द मोमेंट. दिस इज़ वॉट आई कैन रिकमेंड यू राइट नाउ. उसके अलावा अगर प्रॉफ के हवाले से बात की जाए तो प्रॉफ में जो है वो हमेशा कहा ये जाता है हमारे टीचर्स की तरफ से कि, और दिस मेक सेंस एज वेल, कि ऑब्वियसली आपका पूरा प्रॉफ का जो पेपर है या पूरे MCQs पूरा क्वेश्चन पेपर सब कुछ डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता. सब कुछ जो है वो अगर डिफ़िकल्टी का लेवल 1 to 10 है तो पूरे 10 के 10 सवाल जो हैं वो 10th लेवल के नहीं आ सकते. तो इट मेक सेंस, कुछ सवाल आपके जो हैं वो बहुत ईजी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं. एंड दोज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मेक द डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड द एवरेज एंड द फेलियर. तो या दैट्स व्हाट इट इज़. और आई थिंक आज के लिए इतना टॉर्चर काफ़ी है आप लोगों के लिए, और जितना मैंने आप लोगों को डरा दिया इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं डराना चाहती. और एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सब मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं गई थी, और ऑनेस्ट आई कैन शेयर अ लिटिल स्टोरी टाइम, तो जब मेरा पहला दिन था आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग बैक टू माई होम इन द कॉलेज बस. आई वॉज टॉकिंग टू दिस फाइनल ईयर सीनियर एंड आई आस्क्ड हर कि ये कब ख़त्म होगा, एंड दैट वॉज लिटरली माई फर्स्ट डे. तो यू कैन इमेजिन हाउ डेस्परेट आई वॉज टू गेट थ्रू इट. लेकिन ऑब्वियसली वो सालों को अगर मैं देखूँ तो देवर लाइक आई कैन से देवर लाइक गुड ईयर्स. दे टॉट मी अ लॉट. बहुत बार आप जो है वो बुरे तरीके से गिरते भी हो, बहुत बार आप बहुत चीज़ें सेलिब्रेट करते हो, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू लर्न अ लॉट इन योर यूनिवर्सिटी ईयर्स, बिकॉज आपको आप यू डोंट ओनली लर्न अबाउट बुक्स एंड द मोस्ट मेजमराइजिंग स्टफ ऑन अर्थ, लाइक यू आर लर्निंग लिटरली अबाउट ह्यूमंस. और उसके अलावा आप जनरली भी लोगों को और अपने बहुत सारे लाइफ लेसन्स जो हैं वो इन ईयर्स में सीखते हो. एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत बहुत बड़े लेसन्स जो हैं वो इन ईयर्स में सीखे. तो या इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी एन एडवेंचरस राइड फॉर यू ऑल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू. तो आई वुड जस्ट से कि इन्जॉय इट, वर्क हार्ड, और डोंट स्ट्रेस टू मच, ड्रिंक सम वाटर, ईट सम गुड फूड, एंड वेन एवर यू आर लाइक फीलिंग डिप्रेस्ड एंड लाइक लो एंड नॉन प्रोडक्टिव, जस्ट डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर गोना गेट थ्रू इट. एंड यू गोना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ऑब्वियसली यू विल मेक इट थ्रू, राइट? एंड जस्ट डोंट लूज होप एंड रिमेंबर दैट प्रोमिस दैट यू मेड नॉट टू एनीबडी एल्स बट टू योर सेल्फ वेन you decided to become a doctor. उसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो मैं अपनी कुछ स्टडी स्ट्रेटजीज़ आपको बता सकती हूँ, बिकॉज़ आई नो एज अ फर्स्ट ईयर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि आपको ये नहीं समझ आता कि अब अगर मैं किसी चीज़ को याद करूँ तो कैसे करूँ, और अगर मैं रट्टा भी मारूँ तो कैसे मारूँ. तो मैं अपनी कुछ स्टडी स्ट्रेटजीज़, जैसे इवन रट्टा मारना भी है तो कैसे मारना है, और कैसे चीज़ों को याद करना है, कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, द आइडिया ऑफ एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, माइंड मैप्स एंड लाइक डायग्राम्स एंड स्टफ, तो वो मैं आपको जो है वो बता सकती हूँ. अगर आप सीखना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो, देन आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल. या तो मैं अपने चैनल पे बना दूँगी या फिर इधर ही इसी चैनल पे हमजा के साथ जो है वो मैं शेयर कर दूँगी. और इसके अलावा ये कि आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल एज वेल, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग यू कैन चेक इट आउट. एंड आई यूजली पोस्ट वीडियोज़ अबाउट द मोटिवेशन, सेल्फ लव, सेल्फ डेवलपमेंट एंड attitude, gratitude, confidence and relationship. तो आप वहाँ पर जाकर मुझको follow कर सकते हो. और अगर आप study tips के हवाले से कोई video चाहते हो तो आप मेरी ही videos में जाकर आप मुझको comment कर सकते हो, तो मैं अपने channel पर भी उसके हवाले से videos बना दूँगी. It's not a big deal. If you have any questions, concerns and queries, तो आप मुझको जो है वो Instagram पर DM कर सकते हो, message कर सकते हो. I am usually very active on Instagram. I try to respond to each and every one of you guys. This is my Instagram link. तो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर मुझको फॉलो कर सकते हो, मुझको मैसेज कर सकते हो. और वहाँ पे भी मैं यूजुअली मोटिवेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से ही चीज़ें पोस्ट करती हूँ. तो प्लीज़ डू गो देयर, सपोर्ट मी ओवर देयर. आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड आई थिंक स्टफ दैट आई पोस्ट ओवर देयर विल नॉट ओनली हेल्प यू बिकमिंग अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो टू बिकम अ गुड
person as well and to help you to become your best version. And that is the motive of me on social media and anywhere. And I am also on the journey of becoming my best version. So I want to take you guys along with me and I hope you will support me over there. So yeah, that's it for today's video and I will see you in one of my upcoming videos on my channel or on this channel if I get a chance to collab with Hamza again. And yeah, take very good care of yourself. Just be a nice human and you will be a good doctor eventually. Don't forget to be nice to one another and to yourself. Bye bye.